अब कमेंट क्या होता है कि इसे जो कंपाइलर है सिंपली इग्नोर करता है। तो अब क्या होता है कि हमने जैसे बहुत सारे लंबे प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम हमने की लिख के, और कई बार हमें से जो फंक्शन है, जैसे एक फंक्शन जो एरिया कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा फंक्शन जैसे हो गया पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहा है, कोई सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ आएंगे सिचुएशन। और उस वक्त क्या होगा कि जाहिर है हमारा जो कोडिंग है उसमें हमने कोड किया हुआ है, और बाद में हमें कुछ चेंजेस करने पड़े तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन फंक्शन किस चीज़ के लिए मैंने हमने लिखा है, क्योंकि अब कैलकुलेशन तो हमारा उतना, मतलब अब फिर जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा ये पैरामीटर क्या ले रहा है, इस पर क्या कैलकुलेशन हो रहा है। तो उस वक्त हमें क्या ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जैसे पहले हमने देखा था डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए जो यूज होता है, तो उसी तरीके जो डॉक्यूमेंटेशन जो पर्पज़ था ना, वहाँ पे हमने कमेंट सेक्शन ही यूज़ किया था, अगर आपको याद होगा। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास होगा तो, हाँ यहाँ पे हमने बताया था ये वाला जो मैंने बताया था, ये स्लैश स्टार और स्लैश स्टार, इसके अंदर जितने सारे चीज़ें ये यहाँ पे मेंशन थी, तो ये था क्या था कि कमेंट सेक्शन का पार्ट था। तो अभी वही देखते हैं कि वो जो था वो हमारा कमेंट सेक्शन था। तो कमेंट सेक्शन जो है सी में दो टाइप्स के हैं, एक क्या है कि सिंगल लाइन, और एक जो दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट कमेंट। तो सिंगल लाइन क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे प्रोग्राम में मतलब लाइन लिखी हुई है, जैसे अगर यहाँ पे देखें कि एक हमारा स्टेटमेंट्स हो गया, स्टेटमेंट एंड देन अगेन एक स्टेटमेंट है, देन अगेन एक स्टेटमेंट है, और सपोज़ कि ये हमारा मेन फंक्शन के इनसाइड में है, और ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब पता क्या, हमें जब ने खुद से हमने लिखा तो जाहिर है पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई और प्रोग्रामर देख रहा है, चाहे हम खुद अगर देखेंगे कुछ दिनों बाद, तो हमें खुद पता नहीं रहेगा कि आखिर हमने वो किस लिए लिखा था। तो वहाँ पे क्या होगा, टॉप पे हम चाहे या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे एरिया, तो इससे क्या हमें पता चलेगा, ये जो स्टेटमेंट है ना एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो जो सिंगल लाइन कमेंट होता है ये डबल स्लैश से हम करते हैं, और जो मल्टी लाइन होता है ये एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और इसके मतलब बिटवीन में कुछ भी स्टेटमेंट रहेगा, फिर जहाँ क्लोज करना होगा कर देंगे। तो सिंगल लाइन क्या करता है, बस एक लाइन को एज अ कमेंट वो करता है, और जो लाइन कमेंट के में होती हैं वो कंपाइलर सिंपली उसे इग्नोर करता है। और जो मल्टी लाइन कमेंट्स जो है कि सपोज़ कि 5 लाइन 10 लाइन अगर हमें सारे को एक साथ करने हैं, तो या तो हमें सिंगल सिंगल ये के यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर अगर हम ये जो मल्टी लाइन कमेंट है तो ये यूज़ करके भी हम एक ही साथ उतने सारे जो लाइन्स ऑफ कोड है उसको हम एज अ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल भी होता है, ऐसा नहीं, कई बार हमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि एरर कहाँ पे आ रहा है, जो लॉजिकल एरर जनरली कि मतलब आउटपुट नहीं आता है डिजायरेबल, तो हम क्या करते हैं एक एक लाइन को हम वहाँ पे कमेंट में डालते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे आउटपुट सही आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू सही आ रहा है। तो उस तरह से हमारे डिबगिंग में भी काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। हो गया, तो नेक्स्ट अब जो हम देखते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और अपना फर्स्ट प्रोग्राम हम क्रिएट करेंगे।